इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज, एक नंबर का मसाला रेडी कर दिया। मेल मिलाप। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। मैं सुबह उठ ली हूँ, मैं नहा धो के भी रेडी हो गई हूँ, मैंने मंदिर भी साफ कर दिया है, गोलू इधर सोया हुआ है, तो अब मैं करती हूँ पूजा। इधर मंदिर बिल्कुल क्लीन हो गया, हर ये मेरी अखंड जोत जग रही है, और अब मैं करूँगी आरती। इधर आरती हो चुकी है पूरी, तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय। चाय बनाती हूँ और साथ साथ बर्तन लगा देती हूँ, फिर उठाती हूँ गोलू को, दोनों माँ बेटा पियेंगे चाय। यह सुबह की चाय, मैं गोलू भी उठ चुका है, मैं और गोलू दोनों जने चाय पी रहे। आज उठने के बाद पहले चीकू का ब्लॉग देखा, फिर संदीप चाचा का ब्लॉग देखा है, फिर झाड़ू लगा दी, और अभी मम्मी जी कर रहे हैं कम्बल, कम्बल को भिगो रहे हैं उसके अंदर टब के अंदर। देखो भिगो बैठा ही मैं तो ज्यादा ही महंगा कर रहे हैं ड्राई क्लीन का। हाँ। मैं तो अपने घर पे धो लिया दो तीन बार। किस कोटा में आयो था मैं? अरे बताओ ना, 2 बजे है तो हम लाइट चार्ज इतनी बड़ी कर रही है, तो इतनी बड़ी लाइट की चार्ज दी बार की नीचे तनो आप भी क्यों? मैं ऊपर थी तो ऊपर थे पूछूंगी नाल चाल तुम्हारा मन लग गया था। ओ ओ मेल मिलाप, मेल मिलाप, मेल मिलाप जी लग गया तुम्हें ना? ओ ना तो खुश थे जो मैं रात कट रही थी उसके सीन लेके रोज लड़ाई करती। ओ रही भी एक मम्मी पर तो एक थी इवे को खा गई तो नहीं तंग करेगी सही बात है सही कोई बात बता देता हूँ, ये दोनों आ तो गई, अब कोई काम नहीं इनका घर पे, सर्दी के टाइम है, अजराइट जाए में बैठने का काम है ना। मैं पेन नहीं है, एक गोल्डेक्स का 5 रुपए का, एक 3 रुपए का, अब ये लेके बैठ जो ड्राइंग मैंने कल बना दी थी। अब तुम बिल्डिंग भी लेता, कल ही रात को ही बनाई थी, चांद नहीं निकला था इसलिए। किसने दिया था? एक अंटी ने दिया था जिस पर ड्रेस लेके आए थे। किसकी? मेरी। दिखा ड्रेस भी दिखा दे। ड्रेस लेके आई इसी तेरे पत्थर मुस्कान, ये देख तो लो। हाँ देख ली, कैसे ना रहे छोरी में के कह सका, रुपया लगवा के आई है तुम, देख बता रुपया लगवाना मैं माई रहा ले। डोरेमोन भर की शक्ल थी तेरी, कैसी है डोरेमोन की जेब तलिया चंदा सी, और क्या डोरेमोन की जेब तलिया आते कोई है उसके साइड में, गैजेट गुजेट निकाल लेते कुछ है, निकालियो स्मॉल लाइट निकाल चल एनीवेयर डोर निकाल ले, मैं कोरी दीवार घूम के आने उधर जाऊंगा मैं, निकाल ले नहीं हमारे पास भी कैसे कुछ ऐसे है। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तनु पढ़ाई कर रही है अपना, और मम्मी अपने सॉक्स डाल रही है, और बाहर देखो डो गया का आ जा तो तू देख मांगेगा तू ताकन। हां सुबह सुबह आके दादा दादा दूध दादा बदिया दोबारा आ गया क्या खा उतन वो जूता लेगा चनो जूता लेगा 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 जल्दी खड़ी हो जल्दी खड़ी हो ले जा लेगा जल्दी भाग सही में लेगा भाग 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 जल्दी। तो गाइस इधर मैंने बना दिया घी, ये तो मैंने छान के रख दिया है, अब ये रख रखा है इधर, इसमें ना बाद में ना ठंडा होने के बाद ऊपर ऊपर से अलग निकाल लूंगी। और इधर कर रही हूँ मैं सिलाई, ये सलवार तैयार करने लग रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को देनी है कल अर्जेंटी, अभी इनको सिल देती हूँ। और आज बनाएगी तन्नु नमकीन चावल, नमकीन चावल हम तो ना चावल वगैरह ही खा कर खुश हो जावा है ना, चावल ही सबसे अच्छे होते हैं खाने सारे नु गाया था हम ना, मतलब ना कहते रोटी बना लो का चावल बना लो और कुछ बनाते नहीं और कुछ यहाँ पे डेली शाही पनीर मटर पनीर बना बना के दिखाएंगे, ये दिखाएंगे देख लो और चीज बनानी, सिंपल रोटी सब्जी आ सिंपल रोटी सब्जी होती है और क्या होता है, मैं वही सोच रही हूँ हो गया काम कंप्लीट होगा, लिखा नहीं जा रहा यहाँ पे, उन्हें है ना कल कटी की थी वो कद्दूकस कर रही थी ना छिलकी थी और अभी ऐसे लिख रही हूँ ना तो इस पे दबाव पड़ रहा है, लिखा नहीं जा रहा इस पे, एक वो चिपका ले चेपी करी थी और खाल उतर की उतारी जब बैंडेज लगाई थी सुबह की रोई में, जब बहुत ज्यादा निकली होगी जब उतरी ना, इसने क्या कर रखा है इधर प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रही थी कर रहा कर था अभी तक तो कल का लग रहा है, मतलब ना इसने ड्राइंग तो बना दी जितनी बनानी थी ड्राइंग वाले काम, राइटिंग वाले नहीं करे वो भी तो बहुत बड़ा इसका राइटिंग नहीं, इसे मिली भी तो बाद में है ना, अभी ये छुट्टी होने के बाद दिए सर ने स्पेशल फंड का सीन कुछ ऐसे, मैं बनाता हूँ तड़कते भड़कते चावल, तड़कते कड़क दे तड़कते भड़कते भड़काओ बनाओ मम्मी जी, किसको भड़काओगा बताओ बनाओ, ये ऐसा काम करेगा चावल खाते साथ वो
ऐसे मुंह हो जाएगा ना, दाल इतनी मिर्च गिर के सो का पारा ही करेगा ये आज। हां तो फिर वो तड़कते भड़कते हां मैं बनाते हूं मस्त से पाव भाजी वाले। ठीक है पाव भाजी में बिरयानी बिरयानी बना दो, बिरयानी तू ही खाइयो। खा लेंगे चाव से पाव भाजी में। चाव कब से गिरने लगे ये बताइयो। अरे वो तो पाव भाजी वाले चावल स्टाइल है, स्टाइल है। बताओ बनाऊं क्या? आलू किचन में ही रखते होते हम, फ्रिज में आलू नहीं रखते होते। मैं फ्रिज में टमाटर रखने मैं पूछ रही थी बात। अच्छा यहाँ पर हिमांशु मलिक जी बना रहे हैं नमकीन चावल। तू चाय बनाता रह जाएगा, चाय चाय चाय। बिरयानी बना रहा हूँ। फिर तुझे बिरयानी क्या पसंद है? बिरयानी गैस पे रखना है तेरे सिर पे। ये चावल कम बनाएगा उसके साथ ड्रामे ज्यादा करेगा। अब तक कितने ड्रामे मार चुका है ये फालतू के। तो यहाँ पे मुस्कान कर रही है पूजा और मैं यहाँ से लेने आई थी तेल, क्योंकि आई मांझू ने मंगवाया था किचन में चावल बनाने के लिए। सारा कुकर भर गया मेरा। ये देखो एकदम भी हो गया। देख लो मावी जी, देखो इतने ड्रामे करा था मैंने ब्लॉग में भी लिए हुए हैं। ये पिट लिया छिट लिया और अब जाके ढंग से चावल बना रहे हैं। कितने पिटा भाई तू आज? आज मैं 3-4 बार पीट गया भाई। अभी इसने इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज और अब डालेगा टमाटर इसके पकने के बाद। ये तो कच्चे रह जाएंगे। ठीक है डायलॉग था तेरा, जो खाए चावल वो हो जाए बिहार। वाह 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 वाह, जो खाए मांसू के तड़के भड़के चावल वो हो जाए बिहार। माला माल बिहार ना, माला माल हो जाए। हिमांशु मलिक के हाथ के चावल खाने को कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर हिमांशु ने देखो एक नंबर का मसाला रेडी कर दिया। यही खाने का मन कर रहा है मेरे तो। खा ले फिर, पापा मेरा मसाला सेम है। हाँ मामा भी ऐसे बनाते हैं। पहले तो बिल्कुल पका लूंगा इसको, फिर बाद में इसके अंदर जाएगा मसाला। मामा ने मुझे वहाँ पे बनाना सिखाया था। क्या सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत सब्जी तो मैं पापा के देखते के सीख गया। हाँ मैं भी वही सीखी हूँ। जब कालू मामा कई कबार बनाते थे ना, लेकिन बनाते जब है जब भी मूड में आती है उनके। ये नहीं कि किसी के। ओहो प्रसाद आ गया प्रसाद। मैडम जी दो दो ले भैया जी ले। यहाँ पे है कुकर बंद, ढक्कन डना डन किया अभी बंद, काम डना डन। अभी किचन की हालत कर रही है, अभी साफ कर देगा चावल बनाई दे तो कर देंगे। तू ही करता है, वाह वाह वाह, तू ही करता है सारा काम और गिराता भी तू ही है। वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू हिमांशु। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ब्याह हो गया। तू तू पानी गिर दिया सारे फिर से साफ करके अपना मंद बुद्धि। कुछ ऐसे चावल निकाले जा रहे हैं, आप चावल के टेस्ट देख सकते हो कितने टेस्टी। बिरयानी जैसे सेम है ना, बिरयानी जैसे लग रही है ना, देखना बिरयानी होगा क्या मैंने भी बता। चावल ही होती है आज ना घर में थोड़ी रौनक सी आई है। हाँ नहीं तो हम अकेले थे, किसान बान आन तो है ही नहीं घर में। हाँ बिल्कुल जो है दोनों पापा बेटा उनके बिना अपना ब्लॉक में कोई जान नहीं है। देखते नहीं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसको चावल खाने हो घर का गेट खुले है, आ जाओ रात को आओ, सुबह आओ, दिन में आओ, रात को शाम को सुपेर। हाँ मेरे हाथ के खाओ, मेरे साथ बैठ के खाओ, कोई मना नहीं। आ सकते है, गेट शाम को खुला रहेगा, सुबह खुला रहेगा, लेकिन रात को 9 बजे के बाद गेट बंद। जब आने तो बाहर खड़े खड़े खुला दूंगा, अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे में लगभग मेरी मैथ की प्रैक्टिकल 2 पेज होने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। आप मुझे धन्यवाद कर सकते हो, मैं इतना अच्छा बच्चा पढ़ाई करने लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद पढ़ाई करने लग गया। अच्छा ओके थैंक यू। आप भी मेरे को धन्यवाद कर सकते हो, कुछ करके दिखाओ। आप भी अपने धन्यवाद कर सकते हो, हम भी काम ही कर रहे। आप तो झाड़ू पत्ता करते हो फिर काम करते हो है ना मम्मी। जब का लग रहा हूँ ना मैं आग बालने के बाद, जब का लगाते ना तो गाय वो तो पत्ता अच्छी अच्छी काम करती है। यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए नमस्कार बाय बाय गुड नाइट। ओए आए बोतल भी चुभ गई देख। फिर क्यों क्या लेके बैठे हो, दिखाइयो खाइयो शिकायत या फूट जाएगी मेरी। तो मैं सोचूंगा शिकायत करूं थी।
तो गाइस करने में बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है बहुत शरीर को ऐसे करके ऐसे करके।